सर वो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से पठान से बाइक भी ले गए हैं और जो है मोबाइल पैसे जो भी था ले, जैसे हेलमेट हो गया, बाकी चीज़ हो गई, वो आप अपनी सेफ होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स है ना उसको बिल्कुल भी इग्नोर किया जाता है। अगर रूल फॉलो होते हैं, रूल फॉलो होते रहेंगे तो फिर बाइक ऐसा रुक जाएंगे। फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा बाइक पे, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स है ना उसको बिल्कुल भी इग्नोर किया जाता है, सो इसकी वजह से जाहिर सी बात है एक रोड पर दोनों साइड से आएंगे तो टकराएंगे तो ज़रूर। हादसात को तो आप काफ़ी तरीके रोक सकते हैं, तो अगर रूल फॉलो होते हैं, रूल फॉलो होते रहेंगे तो फिर बाइक ऐसा रुक जाएंगे। जैसे रावलपिंडी में अगर आप जाएँ IGP रोड पर, कोई रूल फॉलो नहीं होता, इशारों पर कोई रुकते ही नहीं है, तो अगर वो फॉलो होते हैं तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, खुद खुद ख़त्म हो जाएंगे। मेरे साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो इसमें यह है कि इंसान कोई भी जो है ना वो बाइक चला रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना वो मतलब के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा बाइक पे, ठीक है। और दूसरा कोई भी अगर सिग्नल लगे हैं तो वो सिग्नल फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगर और दूसरा ये है कि ये तो बाइक वाले जो है ये मतलब ना ये रॉन्ग इस्तेमाल की वजह से जो है ना, अगर रॉन्ग इस्तेमाल की वजह से अगर आपको कोई बंदा अगर कोई बंदा खुद रॉन्ग आ रहा है तो कम से कम आप आराम से चलाएँ, देख के और ध्यान से चलाएँ ताकि हादसा ना हो, क्योंकि खुदा न खासा अगर आपको कुछ हो गया तो पीछे आपकी फैमिली मतलब ना हो उसमें। ये महंगाई ने हम लोगों को मार के पीट के रख दिया, हमारा खून ये इमरान खान ने चुसा लिया और चूस लिया, हम लोग बहुत तंग हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसको हदायत दे और हमें भी अल्लाह हदायत दे और जो है ना इसको खरियत से अल्लाह ले जाए, अल्लाह इसको ले जाए कि बहुत इसने हमारा जो है ना सत्यानाश कर दिया महंगाई के साथ, इसने बहुत हमारे साथ बहुत जुल्म और बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब गैस पेट्रोल महंगा हो गया, हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, अब क्या करें। हाँ वो त्याग तो करनी चाहिए ना बंदे को, देख के आराम से बाइक चलाना चाहिए, थोड़ा आराम से बाइक चलाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, आगे पीछे से देख के चलना चाहिए। ये मेरे ख्याल है आज से डेढ़ हफ्ता पीछे जाएं तो फूड पांडा राइडर के साथ एक हफ्ते में दो पांडा राइडर को गोलियां लगी, एक ये मेन ये मरगला नहीं है मरगला रोड ये साथ है 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, रात को 2 बजे 3 गोलियां मारी हैं लड़के को, डकैती की है 3-4 लड़के से। उसके बाद इधर F11 में हुई है, पठान से बाइक भी ले गए हैं और जो है मोबाइल पैसे जो भी था ले गए, ठीक है। उससे दो डेढ़ हफ्ता पिछले ये हफ्ते में दो ये हुई हैं, उससे पीछे तकरीबन आज से 2 हफ्ते पीछे जाओ ना तो E11 रोड पे एक लड़का है उसको मारी है रात को 9:30 बजे, ये पिछले महीने 3 जो है ना लड़कों को मारी हैं गोलियाँ। मैंने कहा हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए इंसान को बचने के लिए, जैसे हेलमेट हो गया, बाकी चीज़ हो गई, वो आप अपनी सेफ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बाकी ये तो लगा ही रहता है हर शहर में, हर साथ होते रहते हैं। स्टार जर्नी।